नमस्ते उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ को आज दो बड़ी सौगात देंगे पीएम। डिफेंस कॉरिडोर और विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर, ऐसे में पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ पहुंचे। यहां विश्वविद्यालय का अपडेट मॉडल देखा, शिलान्यास की तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। तो प्रधानमंत्री के अलीगढ़ दौरे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ग्राफिक के जरिए समझते हैं। तो 14 सितंबर को प्रधानमंत्री कालीगढ़ दौरा, 11:35 पर राजकीय यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे पीएम। आज का ये पीएम का दौरा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा, इसका शिलान्यास पीएम आज करने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर, स्टेट यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और मंत्री सुरेश राणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के दौरे पर। 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करना है प्रधानमंत्री को अलीगढ़ पहुंचकर। तो पीएम के अलीगढ़ दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तो 1 दिसंबर 1886 में जाट परिवार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। राजा घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र थे महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ही विश्वविद्यालय बनेगा। 3 साल की उम्र में राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद लिया था। हाथरस के राजा थे हर नारायण सिंह। तो 1902 में बलवीर कौर से राजा महेंद्र का विवाह हुआ और जिंद रियासत परिवार की बलवीर कौर थी जिनके साथ महेंद्र प्रताप सिंह का विवाह हुआ था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए थे। अधिवेशन में शामिल होने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। अधिवेशन से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी के रंग में रंगकर राजा महेंद्र प्रताप लौटे। देशी को बढ़ावा देने, लोगों को शिक्षित करने पर उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही 1909 में वृंदावन में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने खुलवाया। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा देने वाला देश का पहला सेंटर वो विश्वविद्यालय माना जाता रहा। महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी और आज उनके नाम से अब शिलान्यास करेंगे विश्वविद्यालय का पीएम। 26 अप्रैल 1979 को महेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया। इसके साथ ही अब उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। मोहित गुप्ता जुड़ गए संवाददाता हमारे साथ लाइव इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। मोहित, क्या जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आज आपको बता दूं कि 11:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो अलीगढ़ के लोधा गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हो रहा है, वहीं उनके हेलीपैड पर हुए, तो वायुसेना के विशेष विमान से वो आ जाएंगे। 11:35 पर वो यहाँ पर आने के बाद में जो उसकी जो फोटोग्राफ है, यानी कि जो मॉडल विश्वविद्यालय का 3D मॉडल तैयार किया गया है, पूरी वहां से वॉक थ्रू की समीक्षा करेंगे। 12 बजे मंच पर आ जाएंगे और 12 बजे से लेकर 1 बजे, यानी कि माना यही जा रहा है कि 12:15 पर, यानी कि 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का आज लोकार्पण शिलान्यास होना है और कुछ और ऐसी योजना जैसे हरद्वारगंज तापीय विद्युत योजना की 600 की एक नई मीटर है, उसका भी आज लोकार्पण शिलान्यास होना है। तो 12:15 पर ये वहां पर शिलान्यास होगा। 1 बजे यहां से वो अपने गंतव्य के लिए चलाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ मंच पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कल से लगातार अलीगढ़ में मौजूद हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कल योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उन्होंने बाकायदा पूरी समीक्षा की थी और समीक्षा करने के बाद में जो सुरक्षा की दृष्टि से उनका पूरा निगाह मारा था। हालांकि भारी मात्रा में वहां पुलिस फोर्स तैनात है, 7,000 से 10,000 के बीच में पुलिसकर्मी, पहला मिलिट्री फोर्स, चाहे वो RAF के जवान हो और CRPF के जवान हो और BSF के जवान हो, यानी कि चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स तैनात होती है। सबसे बड़ी जो पुलिस का खास घेरा जो एनएक्सी सुरक्षा है वो पूरा हेलीपैड और मंच पर पूरी एनएक्सी सुरक्षा है, बिना उनकी मर्जी के जिनके कोई जब तक लेटर ऊपर से नहीं आ गया वो मंच की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि देखिए माना यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आएंगी, लेकिन 11:35 पर जब नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आ जाएंगे योगी आदित्यनाथ उससे पहले आएंगे और हेलीपैड पर उनको रिसीव करेंगे। यानी कि कहा यही जा रहा है कि एक अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि दानवीर भी थे उनको एक शिरोमणि भी कहा जाता है क्योंकि अंतरिम सरकार देश के आजाद होने से पहले उन्होंने अफगानिस्तान में बनाई थी, तो उनकी जो शौर्य गाथाएं कहीं से लेके काफी ऊपर तक जाती है और जाटों में उनका अपने आप में अलग वर्चस्व है। देखिए 3.8 एकड़ जमीन उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिटी स्कूल है उनको वहां पर दे दी थी और मात्र 2 रुपए की लीज पर 90 साल की लीज के लिए दी थी, लेकिन आज तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कहीं कोई नाम या तो यूनिवर्सिटी के अंदर हो और अलीगढ़ के अंदर वो नहीं आया है। तो लगातार अलीगढ़ में ये मांग उठ रही थी क्योंकि ये अलीगढ़ का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिटी स्कूल है कि उसका नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी स्कूल किया जाए। तो लेकिन अब जो 2019 के चुनाव में यानी कि आज का ही दिन 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में घोषणा की थी कि हम जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को सौगात के रूप में देने जा रहे हैं, तो आज 14 सितंबर 2021 यानी कि 2 साल बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है, साथ ही साथ में डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास होना है। देखिए जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का अगर मैं टोटल अगर जगह की बात करता हूँ तो लगभग 550 बीघे यानी कि 93.74 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनी और एक विशाल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसमें चाहे जिला हाथरस हो या एटा हो या कासगंज और अलीगढ़ यानी कि चारों जिले के यहाँ पर यूनिवर्सिटी से संबंध रहेगा। हालांकि इससे पहले आगरा यूनिवर्सिटी में संबंध रहा करते थे। 395 जो महाविद्यालय इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे और यहाँ जो पढ़ाई का माहौल है वो देखने को मिला क्योंकि देखा यही जा रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों का एडमिशन आसानी से नहीं हो पा रहा था, जो छात्र अपने बच्चों को जो गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे बड़ी उनको मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वो अब ये विशाल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर बनने जा रही है, विशाल सौगात के रूप में बनने जा रही है और आज जिसका लोकार्पण शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, तो एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से अलीगढ़ के है। और देखिए किसान आंदोलन जहां तक एक तरफ हावी जहां तक रहा था, लेकिन क्योंकि जो हमारी जो इगलास की बेल्ट और खासकर जो जहां यूनिवर्सिटी बनने जा रही है खैर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वहां जाट जो राजा है और जाट राजा के नाम से अब ये यूनिवर्सिटी आ रही है, तो वहां के जो जाट है यानी कि जो किसान आंदोलन का भी लोग इसको कह रहे थे कि किसान आंदोलन की वजह से क्योंकि आगामी चुनाव आ रहा है तो कुछ लोग इसको आगामी चुनाव के नजरिए से भी देख रहे हैं, लेकिन अगर लोकल हमने लोगों की अगर समीक्षा की और लोगों से बात की तो उनमें अच्छा खासा खुशी का माहौल है क्योंकि अब जो डिफेंस कॉरिडोर बनेगा जिसमें 19 कंपनियां निवेश करेंगी लगभग 1215 करोड़ का वहां पर एरिया का वहां पर जो कंपनी आएंगी निवेश करेंगी, और क्योंकि एक रोजगार का जो साधन है वो एक अलीगढ़ में अब तमाम खुलने वाला है क्योंकि अब डिफेंस कॉरिडोर में तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्री आनी है, तो एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से आज अलीगढ़ के लिए मिलने वाली है। और अलीगढ़ में खास तौर से खुशी की बात है, देखिए अगर मैं पांडाल की बात करता हूँ तो पांडाल जो अलीगढ़ का बनके हुआ है वो 4.5 लाख स्क्वायर फुट में बना हुआ है यानी कि और बड़ी बड़ी तमाम पांडाल के अंदर एलईडी लगाई है, एक बैन पांडाल लगाया हुआ है, इसके अलावा 2 पांडाल और बनाए हुए हैं, सबको बैठने की व्यवस्था है और पांडाल के अंदर लगभग 42 LED लगाई गई हैं जिससे अगर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो तो उसे आराम से लोग सुन सके और एलईडी पर बड़ी स्क्रीन पर देख भी सके। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि आज जो मेन पांडाल है वो नो प्लास्टिक जोन रखा हुआ है यानी कि वहां आज देसी लुक का आनंद आने वाला है क्योंकि वहां जो मेन रोड है जो मेन पार्किंग वो बनाई गई है रास्ता जहां से नरेंद्र मोदी आएंगे जो VVIP बैठेंगे वहां घड़े की व्यवस्था की गई है यानी कि पानी जो मिलने वाला है वो आज घड़े से मिलने वाला है क्योंकि पूरा प्लास्टिक को आज पूरी तरह से भी बैन किया हुआ है। पराग मोहित आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप लगातार नजर भी रखिएगा और किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो भी अपडेट होगा वो मोहित हम तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार